नमस्कार साथियों, एसएससी जीएस वन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास की जो लोकतांत्रिक राजनीति का जो पुस्तक है उसका चौथा पाठ है, जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, नहीं तो करें, और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि आपको समय समय पर मेरे वीडियो प्राप्त हो जाए। लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता क्या है? सामाजिक असमानता का एक रूप है, यानी लिंग के आधार पर असमानता करना। अब ऐसा स्वाभाविक, प्राकृतिक या अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। यानी ये स्वाभाविक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, यह हमारे द्वारा बनाई हुई असमानता है। और अपरिवर्तनीय का मतलब ये ऐसा नहीं कि ये बदल नहीं सकती, अगर जागरूकता हो और कुछ किया जाए तो इसको बदला भी जा सकता है। कारण क्या है? यानी लैंगिक असमानता का कारण या आधार क्या है? जैविक बनावट इसका आधार नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्त्री कैसी बनी हुई है और पुरुष कैसे बने हुए, तो उनके आधार पर विभाजन होना। रूढ़ छवि, यानी जो प्राचीन काल से जो छवियाँ चली आ रही है, जो परंपराएं चली आ रही है कि बेटी को कम महत्व देना, बेटे को ज़्यादा महत्व देना, उसके कारण तथा तय की गई भूमिकाओं के कारण, जैसे महिलाओं की भूमिका घरों में तय की गई है और पुरुषों की बाहर तय की गई है, इसके कारण ये असमानता होती है। हर जगह ये विभाजन नज़र आता है, चाहे आप ऑफिस में चल जाओ, स्कूल में चल जाओ, चाहे मजदूरी करते समय कोई जगह पे चल जाओ, या घरों में देख लो, परिवार में देख लो, यह असमानता पाई जाती है। अब निजी और सार्वजनिक का विभाजन, यानी निजी क्षेत्र में देखें श्रम का लैंगिक विभाजन, यानी औरतें घर का और मर्द बाहर का काम करें, ये लोग ज़्यादातर समझते हैं। औरतों के लिए झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, चौका, बच्चों को संभालना, जबकि मर्द बाहर जाकर कमाए। जबकि ऐसा नहीं है, कई मर्द ऐसे हैं जो होटलों में काम करते हैं वेटर का, जो स्त्रियां घर पे काम करती है। कई मर्द ऐसे हैं जो टेलर है, कपड़े सिलते हैं, और कई स्त्री ऐसी भी है जो ऑफिसों में काम करती है, पायलट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। तो इसलिए ये रूढ़ी छवि गलत है। अब महिलाओं की आधी आबादी है, लेकिन फिर भी राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। नगण्य का मतलब बहुत ही कम है। अब नारीवादी आंदोलन क्या है? नारीवादी का मतलब नारियों की वकालत करने वाला। महिलाओं की राजनीति, शिक्षा, रोजगार, व्यक्तिगत और पारिवारिक बराबरी के लिए आंदोलन नारीवादी आंदोलन कहलाता है। यानी इसमें महिलाओं का राजनीति में, शिक्षा में, रोजगार में और व्यक्तिगत और पारिवारिक बराबरी के लिए ये वकालत करते हैं। इससे सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका बढ़ी है इन आंदोलनों से, और महिलाएँ आज वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधन यानी मैनेजिंग मैनेजर में और शिक्षक आदि बन चुकी है। भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव। एक तो भारत में जो पितृप्रधान समाज है, यानी यहाँ जो घर का मुखिया होता है वो पुरुष होता है, और महिला साक्षरता हमारे यहाँ कम है, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए हम लड़कियों को आगे नहीं भेजते। और जो जबकि लड़की आज बहुत बाजी मार रही है, फिर भी लड़कों को आगे कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते। इसलिए महिला साक्षरता हमारी कम है। उच्च तनख्वाह और पदों पर बहुत कम महिलाएँ हैं, यानी जो ज़्यादा वेतन प्राप्त करने वाली और ऊँचे ऊँचे पदों पर महिलाओं की संख्या कम है। महिलाएं ज़्यादा काम करती है। एक सर्वे के अनुसार महिलाएं पुरुषों से 1 घंटे ज़्यादा काम करती है, लेकिन उसको इस काम के पैसे नहीं मिलते और इस काम का कोई मूल्य भी नहीं समझा जाता। हर क्षेत्र में समान काम लेकिन वेतन पुरुषों से कम। हर क्षेत्र में महिलाएं बराबरी से काम करती है, समानता के साथ काम करती है, लेकिन फिर भी उनका जो वेतन है वो पुरुषों से कम ही प्राप्त होता है। लड़के की चाह में भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात गिरा है। यानी जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनपढ़ लोग हैं, या आजकल तो शहरी क्षेत्रों में भी हो गया है, कि लड़के की चाह के कारण जो लड़की होती है, यानी गर्भ जांच होती है, अवैध रूप से, गैर कानूनी रूप से गर्भ की जांच की जाती है कि महिला के पेट में बच्चा है या बच्ची है। यदि लड़की है तो उसकी हत्या करवा दी जाती है, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं। इसके कारण लिंगानुपात गिरा है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम हुई है। और महिलाओं का उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, घरेलू हिंसा यानी परिवार में मारा पीटा जाता है, और असुरक्षित महसूस करती है। गलियों में, बाजार में, ऑफिस में कहीं भी महिला जाती है तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। तो ये सारी बातें हमने देखी भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव। अब महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व कैसा है, मतलब महिलाएं राजनीति में क्या स्थान रखती है? नारीवादी मानते हैं, हमने पढ़ा था नारीवादी आंदोलन, तो नारीवादी यानी नारियों की वकालत करने वाले मानते हैं
कि जब तक सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक पर्याप्त बराबरी नहीं होगी, यानी महिला जब तक सत्ता की भागीदारी नहीं बनेगी, जब तक सरकार में शामिल नहीं होगी, तब तक उनके जो भी अधिकार है वो उन्हें समुचित रूप से प्राप्त नहीं होंगे। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो लोकसभा में 10% से भी कम महिलाएं सांसद और राज्य विधानसभाओं में 5% से भी कम विधायक है, यानी 5% विधायक भी महिलाएं नहीं हैं और 10% महिला सांसद नहीं है, यानी हम अफ्रीका और लेटिन जैसे जो देश है, लेटिन अमेरिका जैसे, उनसे भी पीछे हैं। इसका समाधान क्या है कि जैसे पंचायत और नगर पालिका यहाँ महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, इसकी तरह लोकसभा और विधानसभा में भी 1/3 आरक्षण इन्हें प्राप्त होना चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक पिछले 25 सालों से लटका पड़ा है, लेकिन सारे जो दल हैं वो उस पर राजनीति करते हैं और उस पर आँख मिचोली खेलते हैं और इसको आगे नहीं बढ़ाते। अब है धार्मिक अंतर पर आधारित विभाजन। इसके बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं ये देखते हैं। गांधी जी ने कहा था कि राजनीति धर्म से निर्देशित हो। उन्होंने धर्म का अर्थ बताया था नैतिक मूल्य, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उन्होंने कहा कि जो धर्म है, नैतिक मूल्य है, उससे निर्देशित होनी चाहिए, ये अलग नहीं है। यानी राजनीति और धर्म को अलग करना जरूरी नहीं है। राजनीति धर्म के बिना नहीं चल सकती और धर्म राजनीति के बिना नहीं चल सकता, लेकिन उन्होंने धर्म का अर्थ बताया था नैतिक मूल्य। मानव अधिकारी कहते हैं यानी मानव अधिकारों की वकालत करने वाले कहते हैं कि धार्मिक दंगों में ज़्यादातर अल्पसंख्यक मरते हैं, सरकार को इनके सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। और नारीवादी क्या कहते हैं कि सभी धर्मों के अंदर जो पारिवारिक कानून हैं, परिवार को जोड़ने वाले कानून हैं, उनमें महिलाओं से वो भेदभाव करते हैं, इसलिए सरकार को इन कानूनों को बदलना चाहिए। तो दोस्तों, ये पहला भाग खत्म हुआ। अगला भाग मैं जल्दी अपलोड करूँगा। शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।